नागपुर महानगर पालिका के महापौर संदीप जोशी पर बीती रात 12 बजे के आसपास जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में महापौर की गाड़ी पर गोलीबार हुआ, मगर इस हमले में महापौर और उनका परिवार बाल बाल बचा है। इस बारे में हमने अनिल सोले से बात की, क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं उनका कथन। मित्रांनो, काल रात्री नागपूरचे प्रथम नागरिक महापौर श्री संदीप जोशी यांच्यावर गुंडांकरवी भ्याड हल्ला झाला, त्याबाबत नागपूरच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीच्या संदर्भात 289 द्वारे विधान परिषदेमध्ये आम्ही हा प्रश्न उचलला आणि अशा पद्धतीने महापौरांना याच्या आधी 15 दिवसापूर्वी धमक्या आल्या होत्या, त्यानंतर त्याची कोणती चौकशी झाली, त्या अनुषंगाने एवढी मोठी घटना घडल्यानंतर शासन काय करणार आहे, महापौरांनी अतिक्रमण विरोधी कारवाई राबवल्यानंतर त्यांच्यावर अशा पद्धतीचा धमक्या येत होत्या आणि काल ते थोडक्यात बचावले, त्यामुळे या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावं अशी मागणी त्या माध्यमातून आम्ही केली होती। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आयुक्तांशी चर्चा झाली आणि माननीय महापौरांना देखील त्यांनी बोलवलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी क्राइम ब्रँचच्या माध्यमातून याची संपूर्ण चौकशी केली जाईल असे आश्वासन आज विधान परिषदेमध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांनी दिलेलं आहे। हम सभी को मालूम है कि कल नागपुर शहर के प्रथम नागरिक संदीप जी जोशी महापौर, इन पर एक बहुत ही दुर्घटनापूर्वक हल्ला उनके ऊपर हुआ। वे अपने परिवार के साथ वर्धा रोड से आ रहे थे और दो स्कूटर पर आए हुए अज्ञात हमलावरों ने उन पर बेछूट गोलियां चलाई। भगवान की कृपा से उनका कुछ बिगड़ा नहीं, वो सुरक्षित हैं, परंतु यह घटना मन को झकझोरने वाली, नागपुर की कायदा पर एक सवाल उठाने वाली है। अतिक्रमण के संदर्भ में 15 दिन पूर्व ही उनको मिली हुई धमकी के संदर्भ में उन्होंने पुलिस तकरार दी थी, पर उसके अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। उस धमकी के कारण उनको मिलने वाला जो संरक्षण देना चाहिए था वो शायद नहीं दिया गया और इस कारण ये घटना ने अंजाम लिया। अगर संरक्षण दिया गया होता, उनके साथ पुलिस का अगर कहीं संरक्षण होता, तो आज हल्ला करने वाले भाग नहीं पाते, वो पकड़े जाते। हमारी सरकार से अपेक्षा थी, हमने सभागृह में 289 के अंतर्गत इस प्रस्ताव को रखा और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गंभीर इसकी नोन ली है और उन्होंने माननीय आयुक्त को बुलाकर इस जांच की उन्होंने उनको निर्देश दिए कि इसकी तुरंत जांच की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का एक उन्होंने फरमान दिया है। हमें अपेक्षा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पूर्व हमको मालूम होगा यवतमाल में एक बड़ा इसी प्रकार से अवैध हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है और इन सारे पटापेक्ष में हमको ऐसा लगता है कि इस विदर्भ को, नागपुर को, महाराष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयास कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और पुलिस और गृह विभाग इसकी गंभीर नोन लेगा और इसको ना महाराष्ट्र की जनता को, विदर्भ की जनता को और नागपुर की जनता को सुरक्षा देगा, ऐसी हमारी अपेक्षा इस माध्यम से।